अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मेकर फाउंडेशन टीम की जानिब से बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो बच्चा देख रहे हैं रयान है, रेहान अहमद रयान अहमद, जो इसका सर्जरी हो गई थी, ओपन हार्ट सर्जरी। अब यहाँ देख सकते हैं, एक तकरीबन एक साल पहले आई केयर फाउंडेशन की जानिब से किया गया था। इनके वालिद भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, असल इमामत करते हैं आसाम से, असल तो ये इमामत भी करते हैं, मस्जिद की इमामत जी। मस्जिद में। तो हमारे मोहसिन भाई इसके बारे में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक साल पहले ऐसा आया है परेशानी लेकर। ये बच्चे को मल्टीपल हार्ट होल्स थे, सो तो अल्हम्दुलिल्लाह जेदा हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली इनको फ्री में इलाज हुआ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जेदा की मैनेजमेंट को भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। ऐसे गरीब लोगों को वो लोग मदद करते हैं, क्यों इन्हों असम के होने के बावजूद उन लोग हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले इनको साथ दिए, उनका शुक्रिया करते हुए। और इनको फर्दर हमें यहाँ रहने के वास्ते खाने पीने दवाएँ पोस्ट इलाज के लिए जाने आने सभी हमें वो सब चीज़ों को हमें साथ दिए। बट उसके अलावा अब ये एक सर्जरी हुए से 6 महीने के बाद अब इन आपको ही फर्दर ये बच्चे को और हार्ट का चेकअप कराने का है। बाद इसे खतना खतना कराने का भी है, क्योंकि वो यूरिनल कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा बच्चे को। तो इसे अब इनको यहाँ रहने के वास्ते और हजरत इमामत भी कर लेती हैं, हाफिज कुरान ही खारी ही, तो इनको भी क्या मस्जिद में इनको काम की जरूरत है। तो ये काम का भी दरखास्त कर रही है और बच्चे के इलाज के वास्ते भी ताउन कर रही। एक ज्यादा से ज्यादा एक 20-25 हज़ार रुपये तक इनका यहाँ 1 महीना रहे तक इनका खर्चा आएगा। तो सभी लोग इनसे गुजारिश करूँ, जो भी इस वीडियो को देख रही है, आप इस बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, इनकी मदद करें। इंशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।